बहुत टाइम बाद जो है यार मैं व्लॉग्स स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है एशिया कप का। एशिया कप का जो है सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो थी पाक भारत का मैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं। सो दिस इज़ अ स्पिरिट, क्योंकि ये स्पिरिट है यहाँ का और स्पिरिट होना भी चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट सो स्मॉल टीम्स। इन दोनों का अपनी जगह, अपना एक मकाम है। सो आई वॉज ऑल्सो रियली एक्साइटेड, क्योंकि जो है अब जो है मेरे क्रिकेट का जो इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, अब बहुत कम हो गया। इसकी वजह कुछ ये भी है कि यार एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। पहले मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, गेम शेम बहुत ज़्यादा होते थे, क्रिकेट मैचेस बहुत होते थे। आई वॉज कंटिन्यूसली वॉचिंग द मैच। जैसे ही ये सारी कहानी हुई ना, सो आई वॉज रियली सैड यार, क्योंकि मुझे जो स्टार्टिंग के जो दो प्लेयर्स हैं ना उनकी बैटिंग देखना तो मुझे होनी ही होती है, क्योंकि एक जो है अपना बाबर आजम, जो कि सभी का फेवरेट चल रहा है आजकल, और मोहम्मद रिजवान। दे बोथ आर सो फैंटास्टिक, दे आर सो फैबुलस। इनके लिए जो कहा जाए भी बहुत ही कम है, क्योंकि और बॉलिंग में हमारा शाइन बहुत ही कोई ज़बरदस्त चल रहा है, स्प्लेंडेड बॉय चल रहा है, और बहुत ही मतलब एक ऐसे स्पिरिट के साथ आते हैं ये लोग कि बॉलिंग इनका स्पैर ऐसा ज़बरदस्त होता है कि आप जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन एट ऑल। और कल जो विराट कोहली का आउट हुआ था, बहुत ही कोई ज़बरदस्त आउट हुआ था। ठीक है, रोहित शर्मा शाहीन की तो बात ही अलग है, और हारिस वो तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बट यार ये सारी चीज़ें जो है बारिश की वजह से जो हैं हो गई, क्या ख़राब हो गई सारी चीज़ें जो है बारिश की वजह से। जब ये ख़राब हुई सो सारे स्पिट हो गया, टूट गया। अब कंटिन्यूसली मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो है वेट किया ही किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट स्टार्ट। क्या कर सकते हैं यार, बट ये है कि आने वाले टाइम में मैच मे बी पॉसिबल के जो है पाक इंडिया का ज़रूर पड़े, और जो है हम दोबारा से जो है उसको देखें। मेरा तो वो शुक्र है कि मेरा जाने का सीन नहीं था, मेरा सीन ये था कि थोड़ा पूछ रहा था कि जो है स्क्रीन लगा लें, बिकॉज दैट इज़ प्रीटी सो अमेजिंग व्हेन वी सिट एंड वॉच द मैच टुगेदर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ा दोबारा हो जाता है। सो एनीवेज आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है क्रिकेट सर्किट को लेकर। अब मेरा भी थोड़ा सा ऐसे मौसम में जो है आपको पता ही है कि जब इस तरीके का मौसम होता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं, बट दैट्स अमेजिंग। देखो क्या होता है, एक दौर था पहले का भी दौर था, एक मैचेस होते रहे पाक इंडिया के, और कल भी एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि भाई सबसे ज़्यादा कौन जीता है पाक इंडिया एशिया कप के अंदर, कौन ज़्यादा मैचेस जीता है पाकिस्तान या इंडिया, और इंडिया अगर जीता है तो वो कितने जीता है, और पाकिस्तान अगर जीता है तो वो कितने जीता है। मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ये चीज़ भी तुम लोग बता दो कि कितने कितने जीता है। ठीक है, पहले की बात और अभी की बात, बोथ आर सो इंटरेस्टिंग। पहले भी इतना स्पिरिट होता था लोगों के अंदर, और अभी भी इतना ही स्पिरिट है इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के अंदर कि पाक इंडिया मैच। पहले के लोग जो थे वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, पर अभी के जो बॉलर्स हैं वो कुछ टाइम में बीच में आके क्रिकेट कुछ ऐसी हो गई थी, पाकिस्तान टीम वॉज नॉट गुड, इट वॉज नॉट प्लेइंग वेल, मैच कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, बट इन्होंने भी वर्कआउट किया है सारी चीज़ों पे। और कल जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, इट वॉज सो अमेजिंग, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था। इन्होंने पूरा जो है प्रेशर इंडिया के ऊपर डाल दिया था। हार्दिक वॉज एन नाइस प्लेयर यस्टरडेज मैच, उसने जो है एंड तक खेला, बहुत अच्छा उसने खेला, और दो प्लेयर जिंदा के बहुत ही ज़बरदस्त किया भाई उन्होंने, लेकिन मुझे लग रहा था कि 300 से ऊपर तो जाने ही जाने हैं। और मैं और मेरे फ्रेंड जो है कंटिन्यूसली ये डिसाइड कर रहे थे कि यार क्या किसको जीतना चाहिए, क्योंकि देखो मैच जो है बीच में कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि इंडिया की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, इवन के देयर बॉलर्स आर वेरी गुड प्लेयर, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, बहुत ही मज़ा आया और मैंने इंजॉय किया, और फिर एंड में आके जो है सबको जो है सैड फीलिंग हो गई थी, क्योंकि होना चाहिए एक एक पॉइंट मिलना, तो यार इट इज़ नॉट अ बिग डील, तो मिल गया ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैच हुआ ही नहीं, दोनों को ही मिल गया, बट खैर ऐसा होता रहता है। सो मैचेस के साथ भी जो है मेरे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी टीम्स का मैच नहीं है। आज जो है आई वॉज वॉचिंग मैच, इट वॉज बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सो ये दोनों मैचेस जो हैं
ये दीज टीम्स आर नॉट सो सीरियस, ठीक है, मेरी नज़र में ये दोनों टीमें इतनी कोई ख़ास नहीं है, बट और लोगों की नज़र में दी आर प्लेइंग वेरी गुड, इन्होंने जो है अपना मकाम बना लिया लोगों के दिलों में, टीमें होनी चाहिए और कंपटीशन बढ़ता है इन सारी चीज़ों से। तो दूसरी वीडियोस के अंदर जो है मैं आ रहा हूँ कुछ मैचेस के साथ, मे बी पॉसिबल मैचेस के साथ आऊँ, और फिर जो है उसके साथ ही जो है ब्लॉग स्टॉक भी करेंगे, कुछ मज़े वजे करेंगे। होप यू लव दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड And a saying and a last saying, bye. Love.